हमारे मुख्यमंत्री जी कह के गए कि पेंडुलम है चाचा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है भाई। ऐसा है, हमारे जो मुख्यमंत्री थे आज करेल कह के गए कि चाचा पेंडुलम है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, इसलिए वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां जा रहे हैं। पेंडुलम जो है ये तो चलता है, ये जो झूला है झूले की तरह ही तो पेंडुलम चलता है। वो चाचा को समझ ही नहीं पाए, ऐसा झूले बिठाएंगे जब छोड़ देंगे तो कहां गिरेंगे जाके हमें पता ही नहीं है। इसलिए ये बीजेपी वालों के चक्कर मत बनना, ये बहुत ही झूठे लोग हैं। अगर पहले ये दिमाग में रखोगे कि बीजेपी वाले झूठे हैं तो सब बात समझ में आ जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी उन्हें ईमानदार समझा तो कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए जब बीजेपी वालों से बात करो तो समझ लेना ये झूठ बोल रहे हैं। जैसे ही समझ लोगे, दिलो दिमाग में रखोगे कि भाजपा ये झूठ बोलेगा, तो सब बात समझ में आ जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके विधायक यहां कोरोना काल खंड में यह हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं, क्योंकि उनको आपके पास आने की फुर्सत ही कहां। अपनी मित्र मंडली से जब फुर्सत हो तो आपका हाल चाल ले, उनको तो वहीं से फुर्सत नहीं होती होगी। इसलिए भाइयों बहनों, आएंगे भी नहीं, और उनकी स्थिति यही है, कभी नहीं आएंगे आपका हाल चाल लेने के लिए। संकट के समय आपके साथ खड़े नहीं हो सकते, वह तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, राजनीति इमोशनल विषय नहीं हो सकता, ये इमोशनल हमें कॉमन मैन के प्रति होना चाहिए। जिसके पास आवास नहीं उसको आवास मिलना चाहिए, जिसके पास शौचालय नहीं उसको शौचालय मिलना चाहिए, जिसके पास रोजगार नहीं उसको रोजगार मिलना चाहिए, जिसको सुरक्षा की आवश्यकता उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की सरकार चार चार बार थी, इनके अपने बड़े बड़े बंगले बन गए, लेकिन मैनपुरी इटावा के गरीबों के मकान नहीं बन पाए। इनकी जमीनों पर कब्जा जरूर हो गया, लेकिन इनके अपने मकान नहीं बन पाए, इनके विद्युत के फ्री के कनेक्शन नहीं मिल पाए, इनके घर में शौचालय नहीं बन पाए, इनको उज्ज्वला योजना के रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाए। इनका राशन तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वही माफिया हड़प जाते थे जिन माफियाओं को समाजवादी पार्टी ने पाला पोसा। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब को बिना भेदभाव के आवास की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और मैं फिर एक बात को कह सकता हूं, हमने अब तक प्रदेश में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है, 10 लाख आवास हमारा तैयार है जो हम देने जा रहे हैं गरीबों को। और फिर मैं इस बात को कहता हूं, हर गरीब को एक एक आवास फिर रखने के लिए उपलब्ध कराएंगे। हमारे लिए उसमें कोई जाति मत मजहब नहीं, उत्तर प्रदेश का नागरिक होगा उसके पास सिर ढकने के लिए अपना आवास होगा।